हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मिट्टी के बर्तन में बने खाने को खाने के फ़ायदे। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें, ताकि इसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। दोस्तों, ये बात हम सब जानते ही हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और जब हमारी मृत्यु होती है तो दफनाएं या फिर जलाएं, हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन साथियों, मिट्टी पवित्र ही नहीं बल्कि साइंस के हिसाब से भी इसके बहुत से फायदे होते हैं। एक रिसर्च में आदमी की राख का रिसर्च किया गया तो उसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक पाया गया और ये सभी माइक्रो न्यूट्रिशंस मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मिट्टी और इंसान एक ही है। इसीलिए कहा भी जाता है कि इंसान को हमेशा मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए। और आज ऊपर उठने की चाह ने हमें इतना आगे निकाल दिया है कि हमने इस न्यू टेक्नोलॉजी की दुनिया को अपनाकर अपनी सेहत से खिलवाड़ कर लिया है। आज के युग में सिर्फ हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं और यह भूल जाते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही सही जिंदगी जी पाएंगे। आजकल के युग में ज्यादातर हमारे किचनों में कुकर से ही खाना बनाने का चलन है और जब हम कुकर में मानो कोई दाल बना रहे हैं और जब कुकर में सीटी लगती है तो उस वक्त दाल पकती नहीं, टूट जाती है, यानी कि बिखर जाती है और बिखर कर सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि जब कुकर का प्रेशर दाल पर पड़ता है तो दाल टूट कर सॉफ्ट हो जाती है और हमें लगता है कि वो पक गई है, जबकि वास्तव में वो पकी नहीं होती। और साथ ही इस दाल या खाने के 90% न्यूट्रिशंस भी खत्म हो जाते हैं। अब केवल ये दाल पेट भरने के लिए ही रह जाती है, ना कि स्वास्थ्य के लिए, बल्कि इस दाल का सेवन स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है कि आज लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुका है। साथियों, कुकर में बना कोई भी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपने मिट्टी के बर्तन में बना खाना खा लिया, उस दाल या सब्जी का स्वाद अब कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और दूसरा ये कि वो खाना 4-5 दिन तक भी खराब नहीं होता और साथ ही साथ उसके सारे न्यूट्रिशंस भी जिंदा रहते हैं, यानी कि उस सब्जी के या उस दाल के, उस खाने के जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो पकाते वक्त खत्म नहीं होते। साथियों, पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे और वो लोग खाना मिट्टी के बर्तन में क्यों बनाते थे, उसका सिर्फ एक ही रीजन था। अब आपको लग रहा होगा कि उस वक्त कुकर नहीं था या गैस नहीं थी, इसीलिए लोग मिट्टी और चूल्हे पर खाना बनाते थे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले हमारे पास कुकर बनाने का साधन भी था, इतना दिमाग भी था और सब कुछ था, लेकिन उस समय के लोगों ने नहीं बनाया, जिसकी वजह ये थी कि वो लोग जानते थे कि कुकर का बना खाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है और मिट्टी के बर्तन में बना खाना 100% शुद्ध और सेहत के लिए अच्छा होता है। साथियों, जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, उसके न्यूट्रिशंस पर या फिर उसके विटामिन पर उसके पकने का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना पकने से खाने पर प्रेशर नहीं पड़ता और वो खाना ना तो टूटता है ना बिगड़ता है, बल्कि पककर ही गलता है। हमने अक्सर देखा ही होगा कि हमारे घर के बुजुर्ग ही हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसकी यही वजह थी कि वो लोग मिट्टी की हांडी या मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाते थे और जिस पात्र या बर्तन में वो खाते थे वो भी मिट्टी का ही होता था। तो साथियों, ये फर्क है मिट्टी और कुकर के बर्तन में बने खाने का। ऐसा नहीं है कि लोग मिट्टी के बर्तन में अब नहीं खाते। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है, पर बड़े शहरों के लोग उन्हें गरीब या फिर निचले लोग समझते हैं। अगर हम कहीं जाएं और वहाँ कोई ऐसा पुराना बर्तन दिख जाए तो हम उसमें खाना या पीना पसंद नहीं करते और उसमें खाने पीने में शर्म भी महसूस करते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ में हम लोक दिखावा करते करते मिट्टी की अहमियत को ही भूल चुके हैं और अपनी सेहत और ज़िंदगी से खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप किसी ईगो या स्टैंडर्ड को ना देखें, देखें तो बस अपनी सेहत और हैप्पी लाइफ को, और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए सही है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि जान है तो जहान है। तो साथियों, आज ये हमने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के क्या फायदे होते हैं और प्रेशर कुकर में खाना बनाने के क्या नुकसान होते हैं।
तो आप एक तरीके से ये समझिए कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने का रहस्य मिल गया है जो कि हमने आपको बताया है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक शेयर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।